हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, वो उषा जनू मिस्टिक मॉडल के ऊपर बना रहे हैं। ये उषा का एकदम नया मॉडल है, महीने दो महीने से ही लॉन्च हुआ है, तो हमारे दुकान पे आया था, तो आज हम लोग इसी पे वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। ये 35 स्टिच फंक्शंस की मशीन है। इसकी ख़ासियत ये है कि यह बहुत भारी मशीन है। हम लोगों ने इसका कार्टून उठाया तो उसी से अंदाज़ लग गया कि ये जो इसकी बॉडी दिया हुआ है ना, और सबकी जो बॉडी होती है प्लास्टिक होती है ऊपर से, अंदर से भले मेटल के पार्ट्स होते हैं पर ऊपर से बॉडी जो होती है उसकी प्लास्टिक होती है, पर इसकी जो बॉडी दिया हुआ है ये पूरी बॉडी बाहर से जो ढली हुई बॉडी है ये मेटल दिया हुआ है। इसी वजह से ये भारी मशीन है और वज़नदार मशीन दिया है, तो इसका मतलब कि ये हैवी ड्यूटी में आप चला सकते हैं। जैसे इससे पहले आप हैवी ड्यूटी में आती थी स्टिच मैजिक, मतलब आती है, अभी भी वो आ रही है स्टिच मैजिक, तो उसकी भी बॉडी मेटल होती है, पर हम लोग को उससे भी भारी ये मशीन लगी। अब हम लोग खोलते हैं तो खुद ही समझ में आएगा कि कैसी कितनी भारी बॉडी है। पहले आपको एक नज़र कार्टून सब दिखा देते हैं। जैसा कि इनका होता है, होम सर्विस मिलेगी आपको कंपनी से 2 साल की, ख़रीदने से पहले फ्री होम डेमो भी आपको मिलता है, और कुछ इसमें ट्यूटोरियल्स आपको चलाने का सिखाने का ढंग ushasiu.com पे दिया ही रहता है। 2 साल वारंटी है और 14 एक्सेसरीज इसमें दिया हुआ है। तो खोलते हैं, देखते हैं हम लोग पूरा कार्टून और क्वालिटी दिखा दें हम लोग को हर तरफ से। बस ये दिखाइए, सॉरी बस। तो आप देखेंगे मिस्टिक मॉडल ऑटोमेटिक सेविंग मशीन, 20,000 इसकी MRP है, जनवरी 2021 की ये आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, तो काफ़ी न्यू मॉडल है, 2021 का बना हुआ मॉडल है ये। नेट वेट इसमें आप देखेंगे 7.4 kg दिया हुआ है। ये वज़नदार है, कोई और सब मॉडल में दिखा रहता है नेट वेट? अच्छा, इसको हम लोग अभी देखते हैं। 7.4 kg, तो काफ़ी भारी मशीन है। 7.5 kg की इसका नेट वज़न है। और क्या क्या कंटेंट होता है उस पर दिया होता है, मशीन का सीरियल नंबर होता है, ये जब भी आप मशीन ख़रीदें बिल पे ये सीरियल नंबर लिखवा लें। कहाँ से बन के आती है ये सब चीज़ें? ये सब थाईलैंड से ही मशीनें जितनी आती हैं सब थाईलैंड से ही बन करके आती हैं। ओरिजिन इसका ताइवान है। अब इसको हम लोग खोल के देखते हैं इसमें क्या लिखा है। वैसे तो और सब मॉडल जितने भी उषा के जनूम आते हैं सबकी मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड की फैक्ट्री में होती है। खोली मशीन, इधर फिर आपको एक नज़र दिखाई देते हैं। इसमें आपका निडल थ्रेडर दिया ही हुआ है। इसमें आपका 3 डायल है, जैसे वन डे स्टिच प्लस में है। थ्रेड टेंशन इसका हमको लगता है हेड पे दिया हुआ है, उसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। बाकी क्या क्या इसमें, सीम फूड, बाइंडिंग फूड, बीडिंग फूड, बाइंडिंग फूड, कॉर्डिंग फूड, ये डार्निंग फूड, ये सब आपको अलग से ख़रीदने होंगे फ्रेंड्स, ये मिलेंगे नहीं। रफलर, रिबन्स और सीक्वेन का फूट आता है, पाइपिंग फूट आता है, पिन टकिंग, गैदरिंग, खोलिए। तो ये सब बहुत तरह के फूट आते हैं। एक्सेसरीज के फोटो दिए हैं जी, हाँ जितना इसके अंदर एक्सेसरीज होगा। हाँ, ये आपको सबसे अच्छा चीज़ दे देते हैं, पहले से ही बता देते हैं कार्टून पे, ताकि आपको ये न लगे कि कोई एक्सेसरीज दुकानदार ने रख लिया है। 4 नंबर की बॉबिन, इतने आपके निडिल और सबके फिगर के साथ, पीको का चापा, ये बढ़िया चीज़ है, ताकि आपको ये ना लगे कि दुकानदार ने ये सामान आपको नहीं दिया है। इसीलिए कंपनी उस पर लिख देती है कि ये सामान आपको मिलेगा, फिर भी अगर ना मिले तब आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी ये सब फूट आपको अलग से ख़रीदने होंगे फ्रेंड्स। इसके लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया है जिसके अंदर तमाम तरह के फूट से क्या क्या फंक्शन होते हैं वो बताया गया है। एक मिनट रुक जाए, इसको निकाल लीजिए। अच्छा, कवर है ये, नहीं ये बुक है, इंस्ट्रक्शन बुक हुआ। चलिए निकालिए। ये आपके जो हम लोगों ने बाहर देखे हैं क्या क्या एक्सेसरीज आते हैं, एक एक करके भी हम आपको दिखाएंगे। ये एक्सेलेटर हो जाएगा जी, हाँ ये आपका एक्सेलेटर हो गया। वाइट और ब्लैक का टोन है, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है, मशीन बहुत खूबसूरत है, निकाल लीजिए। और वज़नदार तो है ही ये, तो अब आपको हम लोग उठा के देखते हैं समझ में आए कितनी भारी मशीन है। काफ़ी भारी मशीन है।
आपको जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स बॉडी का ना, जरा इसको उठाएं मशीन तो वाली एलियट मार्वेला, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो होती है ना बॉडी फ्रेंड्स, ये जैसे ये मिस्टिक और स्टिच मैजिक के नीचे जितने मॉडल हैं 17-18 हज़ार तक के मॉडल, उसमें क्या होता है ना, बॉडी जो होती है ये प्लास्टिक बॉडी जो कवर करती है मशीन को, ये प्लास्टिक का होता है, ये बॉडी है प्लास्टिक की होती है। बाकी अंदर पूरे पार्ट्स मेटल के होते हैं, स्टील कास्ट आयरन लोहे के सब पार्ट्स, जितने पार्ट घूमते हैं वो सब आपके जो है मेटल होते हैं, और वो मेटल के पार्ट जो है एक स्टील की बॉडी पे होते हैं, और स्टील बॉडी को ऊपर से प्लास्टिक का कवर से ढक दिया जाता है, तो ये खूबसूरत लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये बॉडी भी मेटल है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये भी आपका पूरा मेटल है, ये आपका ये मेटल, ये सिर्फ प्लास्टिक है, ये जो आपका है ये आपका प्लास्टिक है, ये बॉडी मेटल है, आपका पूरा मेटल है यहाँ, ये प्लास्टिक का इधर का होगा कुछ सामान, ये प्लास्टिक है, बाकी ये सब मेटल है, ये पूरी बॉडी आपकी मेटल की है यहाँ तक, जी और फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक, जी हाँ, इसी वजह से ये मशीन आपकी भारी है। और जहाँ तक फंक्शंस की बात है तो इसमें आपके 36 स्टिच फंक्शंस लिखा है, 36 तो 36 स्टिच फंक्शन है, तो इसीलिए इसमें आपको डिज़ाइनें ज़्यादा हैं। काफ़ी भारी है, और इसमें आपका इंस्टेप भी इस पे दे दिया है, ये एकदम अलग चीज़ है, ऐसा किसी मॉडल में अभी तक तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको पूरा एक स्केल है, हाँ स्टिच प्लस, ये ज़्यादा अच्छा लेकिन एकदम। और मशीन को सब पीछे से पलटे वहाँ से, हाँ ये चीज़ है, ये आपकी मेड इन ताइवान है, जबकि और सब जितने भी मॉडल उषा के आ रहे हैं वो सब में आपको जो है ना, रखिए सामने, मेड इन थाईलैंड होते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ उस चीज़ को, आप यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये मेड इन थाईलैंड लिखे होंगे सभी मॉडल में, यहाँ तक कि स्टिच मैजिक तक पे आपको थाईलैंड की ही बनी होती है मशीन हटा, लेकिन आपका ये जो मिस्टिक मॉडल है ये आपके बन के आ रही है ताइवान से। बाकी आप ये जान लें कि ये उषा कंपनी की मशीन होती है, पर ये उषा कंपनी बनाती नहीं है इसको, उषा अपने नाम से इम्पोर्ट करती है, उषा का कोलैबोरेशन जेनोम कंपनी से होता है, और जेनोम एक जापानी कंपनी है जो मशीन बना के देती है उषा को, बाकी पूरी दुनिया में जेनोम नाम से मशीनें बिकती हैं, इंडिया में उषा और जेनोम का टाई अप है। इसमें मोटर आपकी 60 वाट की है, बहुत खूबसूरत मशीन है फ्रेंड्स, मशीन खूबसूरत साथ साथ बहुत हैवी भी है, जब मशीन सीधी कर दें, इसका एक्सेसरीज जैसा हम आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके सब बता दीजिए, ये तीन बाइबिन हो जाएंगे, ठीक, ये आपका थ्रेड टेंशन घूमने के लिए थ्रेड, ये टिक्की मिलेगा, ये आपका हेम, ये असल जहाँ पे आप धागा लगाते हैं फ्रेंड ना, उसी के अंदर ये खोज दिया जाता है, हेम स्टिचिंग के लिए है ये, अच्छा हेम स्टिचिंग, और ये आपका काज बनाएगा, अच्छा, और बटन भी लगाएगा, अच्छा, ये आपका पीको करेगा, और ये आपका चैन फिक्सिंग करेगा, सिंगल लेग वाला फुट है, अच्छा, ये काज कटर मिलेगा जी, ये पेशकश मिल जाएगा एक बड़ा एक छोटा मिल जाएगा जी, और चार बायबिन के साथ एक बायबिन इसके अंदर भी होंगे, ठीक, बॉबिंग केस आपका मशीन के साथ लगा होगा, बॉबिंग केस आपको नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स वो, और इसमें जो निडल दिया है श्मेट्स की निडल दिया है, नहीं श्मेट्स की नहीं, कंपनी की निडल है इसमें, जो भी जेनोम कंपनी जिसको उचित समझी होगी उसकी कंपनी की निडल दी होगी, पर बेस्ट क्वालिटी की निडल होगी, और आपके इसके जितने स्पेसिफिकेशन हैं जो चलाने का डेमो है फ्रेंड्स, उसका एक हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसको चलाते हुए पूरा दिखाएंगे ए टू जेड, इसका आप इसमें हमने अनबॉक्सिंग करना था वो आपको अनबॉक्सिंग करके मैंने दिखा दिया है, आपको इसकी मशीन, आपको मशीन ये पसंद आए तो हमारा डेमो का वीडियो ज़रूर देखिए, यहाँ पे देखिए मोटे कपड़े चलाने की इसको, जी हाँ वो सब हम लोग डेमो में बता देंगे। बाकी ये आपकी तीन डायल की मशीन है फ्रेंड्स, ये लेंथ का एक अलग दिया हुआ है, इससे टाके की लंबाई होगी कंट्रोल आपकी,
ये देखिए विथ दिया है, इससे टाके की चौड़ाई होगी। बाकी ये डिज़ाइन को सेलेक्ट करने के लिए देखिए सेलेक्टर लिखा हुआ है, तो ये डिज़ाइन सेलेक्ट होगा इसे। और हाँ, इसमें कवर कैसा दिया हो, जरा कवर दिखाएं, प्लास्टिक का कोई सॉफ्ट कवर तक नहीं दिए हुए हैं, ये चीज़ अगर बढ़िया चीज़ नहीं है इसमें। इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको दे दिए हैं, लेकिन कंपनी इसमें एक होता है हार्ड कवर, जैसा कि आपके वंडर स्टिच मॉडल या वंडर स्टिच प्लस, स्टिच मैजिक, ये सब में कंपनी का एक हार्ड कवर होता है, प्लास्टिक का मोटा सा, मोटा प्लास्टिक का कवर होता है बढ़िया सा जो ढाक लेता है। और जो आपके एलियो डीलक्स तक, जैसे वंडर स्टिच, आपके मार्वेला एलियो डीलक्स और एक्सेला डीलक्स, ये सब में प्लास्टिक के मुलायम सॉफ्ट कवर देते हैं ताकि मशीन ढक जाए। पर इस मॉडल में फ्रेंड्स कंपनी ने ना ही सॉफ्ट कवर दिया है ना ही हार्ड कवर दिया है, ये चीज़ नहीं जमी। क्योंकि इतनी महंगी मशीन आप ख़रीदें, 20,000 रुपये की मशीन, और इसके अंदर कवर ना हो, तो फिर ये चीज़ मज़ा नहीं देती। एक बार देख लो ढक्कन अच्छे से, देखें ना। ये फ्रेंड्स ये तो कमी है कंपनी की तरफ से, इसको लगा दीजिए समझ रख के, कि आपकी मशीन इतनी अच्छी मशीन हो के भी क्या है कि अगर मशीन को आप ढक ना सकें तो ये थोड़ा सा तकलीफ़देह है। चूँकि ये प्रोफेशनल मशीन है, शायद कंपनी की ये सोचो कि भाई प्रोफेशनल मशीन है, जहाँ भी जाएगी यूज़ ही होनी है, तो उसमें कवर की क्या ज़रूरत। पर ये सोच कस्टमर को पता लगा कि ये सोच अच्छी लगे ना लगे, या आप ही डिसाइड करिए। इसमें सब कुछ बेहतरीन है, एक चीज़ है कि इसमें आपको कंपनी की तरफ से कोई सॉफ्ट कवर या हार्ड कवर नहीं मिलेगा, बाकी तो मशीन बहुत अच्छी है, वज़नदार मशीन है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जो इसके ऊपर होगा डेमो पे, उसको ज़रूर देखिएगा, डेमो वाला वीडियो। ठीक है सर, फ्रेंड्स शुक्रिया।